हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने है वाले हैं कल की डेट में कुछ कंपनी के रिजल्ट आए थे और तीन कंपनी के रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे और उनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं तो आई थिंक मुझे आपको इन्हें बताना चाहिए उसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे बट उसके रिजल्ट देख लेते हैं और आप खुद की स्टडी करना उन स्टॉक्स उन पे तो आपको पता चलेगी एक्जैक्टली exactly मैं क्यों इन इनके ऊपर इनके रिज़ल्ट देखे हैं तो एक पता चलेगी बाकी अगर बात करें बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूँगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है एज वेल एज़ अगर हम देखें खुद की स्टडी करनी है आपको और यहाँ से सीखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ दूसरे लोगों को लाइए फ्रेंड्स को लाइए साथ में ताकि वो भी सीखे सीख के यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और आगे चल के अच्छा खासा पैसा कमा सके और आज की डेट में तीन वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है का IPO आ रहा है तो उससे रिलेटेड वीडियो है आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो यहाँ पर पता चलेगी न्यू लिस्ट कंपनी है उसके रिजल्ट आए हैं काफी बेहतरीन कंपनी है ऐसे देख लीजिएगा और मनी मेकिंग सीजन आ गया दो स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो उन वीडियो को तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले कंपनी के से रिलेटेड सबसे पहले बात करें तो रैम मीडिया लाइफ केयर लिमिटेड यहां पर ये यह शेयर है तो अगर हम यहां पर देखें इस शेयर में तो ये शेयर के रिजल्ट हमने लास्ट टाइम भी देखे थे और काफी माइंड ब्लोइंग यहाँ पर रिजल्ट आए थे इसके और जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो उसके ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था जो कि हम आगे बात करेंगे अगर टाइम मिला तो तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये यह Q4 के रिजल्ट है बाकी बाकी दो कंपनी के क्यू सॉरी ये क्यू के रिजल्ट है बाकी दो कंपनी के क्यू के रिजल्ट है तो वो कंपनी लेट हो गई है रिजल्ट देने में तो यहाँ पर इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है इस बार के रिजल्ट है ये क्यू Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है क्यू क्यू ये Q वन के लास्ट ईयर के रिजल्ट है तो यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया और वो तो अगर बात करें यहाँ पर टोटल इनकम की तेरह हजार आठ सौ तेरह लेक्स एंड रुपीस का यहाँ पर टोटल इनकम है इस बार की इससे पहले पांच हजार पांच सौ पचास था इससे पहले बाईस आ, आ, बाईस लाख ही था केवल तो ईयरली वाइज क्या यहाँ पर जंप है वो आप देख रहे हैं तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा बाकी अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे वो भी पर जंप दिखाई दे रही है अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की तो, तो तेरह हजार सात सौ सड़ सड़सठ लेक्सेंड रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस भी है इसे भी देखिएगा पांच हजार पांच सौ उनतालीस करोड़ का पहले एक्सपेंस था और पहले बीस लाख का एक्सपेंस था तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंसिव बढ़ता हुआ नजर इसके अलावा बात करते हैं यहां पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की

ये शेयर के नाम आपने नहीं सुने होंगे ओके okay, मैंने भी पहली बार सुना बट यहाँ पर स्टडी करना अच्छा रहता है क्योंकि जितना हम स्टडी करेंगे हमारी नॉलेज भी शार्प होगी एज एज वेल हमें कुछ ऐसे हीरे भी मिल सकते हैं कि अच्छा है, यहां पर हम पैसा कमा सके ये ये रिजल्ट रिजल्ट है है जो के याद रखिएगा क्यू के रिजल्ट केवल के इसी के थे अभी ये क्यू के जो लेट हो गए ये रिजल्ट है कि ये क्यू थ्री के क्यू फोर के लास्ट ईयर के टोटल रिवेन्यू की बात करें तो चार सौ बयालीस लैख रुपीज का यहाँ पर रेवेन्यू है इससे पहले छह करोड़ इकतीस लाख था इससे पहले तीन करोड़ छियासी

प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं नीचे प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहाँ पर एटी नाइन लैक्स रुपीज का प्रॉफिट है सत्तावन लाखरलीफॉर्मेंस किया है जिस वजह से बढ़ रहा है और यहाँ पर क्वार्टरली थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है छोटी सी कंपनी के लिए थोड़ी भी बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पर बेसिक की बात करें ईपीएस की तो एक रुपए नब्बे पैसे का ईपीएस दो रुपए उनतालीस पैसे का इससे पहले एक रुपए उनसठ पैसे का तो इस कंपनी की तरफ नजरे बनाइएगा इसके फंडामेंटल चेक करिएगा इसके अलावा एक वीडियो हमारी तरफ से भी आपको आती हुई दिखाई देगी और इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी <coughs>

काफी फंडामेंटली स्टॉक कंपनी है टोटल एक्सपेंस की बात करें

काफी अच्छी अट्रैक्टिव यहाँ पर कंपनी नजर आ रही है अगर हम कुछ टेक्निकल पैरामीटर देख ले क्योंकि हमारे पास टाइम भी है तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं इनके और हम यहाँ पर चेक करते हैं एक बार ट्रेडिंग व्यू तो आपको पता चलेगा क्यों मैं बात कर रहा हूँ शेयर से रिलेटेड तो अगर हम देखें यहाँ पर रेमेड आ, एक मिनट यहाँ पर नाम है रेम रे, मीडियम मे, रिमीडियम लाइफ केयर तो पर देखे था, पर कंपनी ने से जो ये रुपए से जो रैली बनाई है एक बेहतरीन रैली सौ रुपए के ऊपर पर, पर शेयर चल रहा है और आज की डेट में भी देखे तो आज की डेट में भी पॉजिटिव डायरेक्टरी में यहाँ पर शेयर बंद होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट पेश करे है ओवरबोर्ड यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा बात करते हैं जे लाइफ की तो जी लाइफ के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है इतने बेकार भी नहीं है कंपनी अगर चाहेगी तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है बट अपर सर्किट लोअर सर्किट में यहाँ पर खेल चलता हुआ नजर आ रहा है इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा आज की में आज की की डेट डेट में में था ओके बट यहाँ पर गिरावट भी है एक लंबी तो इस चीज को आपको देखना है इसके अलावा बात करते हैं आर्टमिस इलेक्ट्रिकल्स की तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आर्टमिस इलेक्ट्रिकल्स की तो एक ये कंपनी अभी ही लिस्ट होती हुई दिखाई दी है थोड़े बहुत टाइम पहले अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर हम देखें हाँ तो ये कंपनी का 2019 में यहाँ पर लिस्ट हुई थी उसके बाद से एक बहुत बड़ी गिरावट इस शेयर में आती हुई दिखाई दी है अगर बात करें इसका ऑल टाइम हाई की तो यहाँ पर ये शेयर लगभग एक सौ सत्तर अस्सी एक सौ दो सौ के आसपास हुआ करता था उसके बाद से बात करें ये शेयर यहाँ पर चौतीस रुपये तक आया उसके बाद यहाँ ट्रे, ये ट्रैवल कर रहा है बट इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये मुझे शेयर काफी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है इससे रिलेटिव वीडियो बनाएंगे यहाँ वॉल्यूम्स भी है एज वेल एज चार्ट पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहे हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर गेन मिल सकता है फ्यूचर में अगर इसने एक आध् क्वार्टर अच्छे रिजल्ट पेश कर दिए तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है सिंपली इन स्टॉक से रिलेटिव बताना था, तो इन वीडियो को जाके चेक कर लीजिए यहाँ पर आ, रिजल्ट आ रही है टी के भी वो भी देख लीजिएगा इस टी से रिलेटेड वीडियो अगर टाइम मिलेगा तो बना देंगे बाकी अगर बात करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस